Hi everyone, welcome back in the world of multi living. I'm Ankita and it's another day in my life. आज मैं फास्ट हूँ तो फिर मैं दिन भर क्या करती हूँ और आजकल मेरा डेली रूटीन क्या है ये सब देखेंगे. So let's go. तो राइट नाउ अब हम ऊपर जा रहे हैं ताकि हम पौधों को पानी दे सकें. एंड मैं आपको एक नई चीज़ दिखाऊंगी कि मैं आजकल पानी कैसे देती हूँ पौधों को. ये है मेरे वो पौधे जो मेरे आर्ट स्टूडियो वाले में थे. इनको मैंने कल पानी दिया था तो ये बाहर ही पड़े थे. आज इनको सेट करना है एंड हमको पानी डालना है वहाँ नीचे. तो हम कैसे डालेंगे लेट्स सी. अभी हम ऊपर जा रहे हैं बाहर पोर्च साफ करने एंड पोछा लगाने. एंड मेरी गार्डन से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, सौंधी सौंधी सी. जैसे आजकल क्योंकि थोड़ी दूर पे ही गांव है, खेत वगैरह है, तो धूल आ जाती है पौधों पे. और जब ऊपर से पानी डालो तो वो धूल हट जाती है, जैसे बारिश होती है वैसे ही. एंड स्मेल इतनी अच्छी लग रही है क्या. हाँ मैं आपको थोड़ा सा अपना गार्डन टूर कराती हूँ. लेट्स गो, फिर पोछा लगाते हैं. वेलकम टू माई क्यूट लिटिल ट्रॉपिकल गार्डन. इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ धूप बहुत कम आती है. सो वो सारे ऐसे पौधे हैं जो कम धूप में सर्वाइव कर सकते हैं. ये है मेरा छोटू सा अमरूद का पौधा जिसमें ये फ्लावरिंग हो चुकी है और अब इसमें फल लगेंगे और हम लोग खाएंगे. फिर ये आती है बोगनवेलिया जो कि फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग हुई है इसमें एंड बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स आए हैं. फिर उसके बाद आती है मोरपंखी जो कि बहुत ही पुराना है लेकिन मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ. फिर ये है कड़ी पत्ता एंड ये बनाना और ये है सिंगोनियम एंड इधर फर्न है जो कि खुद अपने आप से उगा है. एंड ये पूरा सिंगोनियम उधर मनी प्लांट है थोड़ा सा. ये प्लांट मैंने कटिंग से उगाया है. ये है तुलसी का पौधा और ये है रबर प्लांट जिसे मैंने 8 अक्टूबर अपने बर्थडे वाले दिन कटिंग करके लगाया था. ढेर सारा लगाया था लेकिन ये एक लगा था एंड ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है आजकल. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड ये है पीस लीली, ये मेरा इकलौता ऑनलाइन प्लांट है. एंड ये है स्नेक प्लांट, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसे भी मैंने कटिंग से लगाया है. एंड इधर मनी प्लांट है एंड दूसरा पीस लीली है. एंड ये है एरिका पाम और ये है जायंट सा स्नेक प्लांट जो कि काफ़ी लंबा हो गया है. और इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता बट ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, बहुत ही अमेजिंग. एंड इधर है सदाबहार, समी और ये नीलगिरी एंड एक एरिका पाम और है और ये थोड़े से प्लांट्स और हैं. ओके सो गार्डन टूर इज़ डन. कभी मैं प्रॉपरली पूरा ढंग से दिखाऊंगी गार्डन को किसी समय जब थोड़ा अच्छे से हो जाएगा. अभी तो सब इधर उधर पड़ा हुआ है एंड कुछ पौधे मैं ऊपर भी ले गई थी. सो अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, अभी एनर्जी भी नहीं आ रही बोलने की. सो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, काम करते हैं. एंड मैं एक पेंटिंग बना रही थी. ऑयल पेंटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये भी सूखी भी नहीं है, कई दिन हो गया. तो ये मैं स्टार्ट की हूँ और ये है मेरी बेड की हालत.
एंड इधर से मैंने पौधे हटा दिए हैं तो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। एंड हाँ, ये जो खाली वाली पेंटिंग थी इसको भी मैंने पूरा कर दिया है। आई थिंक इट्स लुकिंग मच बेटर। या सो लेट्स डू सम पोछा मॉपिंग। हे एवरीवन, तो अभी हमारा अपस्टेयर्स पोछा मिशन ख़त्म हो गया। अभी हमें नीचे डाउन स्टेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे लगाना है। बट उससे पहले मुझे याद आया कि मैं तो हेयर वॉश भी करूँगी। सो मैंने ऑयलिंग तो की नहीं। ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बिना ऑयलिंग किए हेयर वॉश करते हो तो आपका नेचुरल ऑयल जो होता है बालों का, स्कैल्प का, वो निकल जाता है और आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। और मैंने खुद ट्राई किया है तो मैंने एक्सपीरियंस से बोल। सो अभी हम लगाएंगे तेल, उसके बाद हम नीचे पोछा लगाएंगे। सो दैट आधे घंटे तो रह जाए, एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले तो लगा ही लेना चाहिए। तो अभी हम लेंगे तेल अपने पाम्स पर। एंड मुझे ऐसे हेयर ऑयलिंग करते करते किसी की याद आ गई। हम लोग हॉस्टल में थे तो वहाँ पे एक दीदी थी, अमृता दी, चंपी करती थी ना, तो जैसे लगता था मोक्ष प्राप्त हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मतलब बहुत ही मज़े आते थे। भाई साहब जो मज़ा आती थी ना, आज तक किसी ने उतनी अच्छी चंपी नहीं की। एक ही बार की थी शायद उन्होंने, बट मज़ा आ जाता। नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। बहुत ही तेज़ी से भूख लगी है तो चलो कुछ खाते हैं। ये चाय भी बन गई एंड थोड़ा सा चिप्स मूँगफली वगैरह लेके खाते हैं। तो अब बज गए हैं 1:30 एंड लंच टाइम होने वाला है। सो अब मैं लंच बना रही हूँ। लंच में मैंने ये बॉयल्ड आलू लिए हैं, उनको मैं फ्राई करूँगी अच्छे से क्रिस्पी होने तक। एंड साथ ही साथ गुड़ का शरबत बना रही हूँ, क्योंकि सबको गुड़ का शरबत ही पीना था। एंड गुड़ के शरबत में मुझे दही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट दही थी नहीं तो दही की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया किसको, लेमन को, नींबू। एंड फिर उसके बाद बहुत ही बेहतरीन लंच हुआ हमारा। नाउ इट्स ट्यूशन टाइम। दूसरा कलर करो, ब्लैक, ब्लैक वाले से करो। गुड, वाओ, ये देखो सार्थक भैया ने सारे वो बनाए हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस। ये सब लिखा भी अपने से हूँ। कहाँ से देख के बनाए थे ये? खुद से? हाँ। खुद से बना लिए थे? वाओ, वेरी नाइस। क्या नाम है? अविक पटेल। मम्मी का क्या नाम है? रीना वाली। पापा का क्या नाम है? अर्दी गर्दी। और तुम्हारे भाई का क्या नाम है? अबूर वर्मा। और दीदी का क्या नाम है? बताओ, बोलो।
My name is Adil Shukla. My father name is Mr. Brahmashree Shukla. My mother name is Mrs. Sikha Shukla. I am studying in class 7. My name is Shatak Singh. My father name is Mr. Yarendra Singh. My mother name is Mrs. Sarka Varman. My hobbies cricket, kabaddi, badminton, hockey. Where do you study?